जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी लोग अक्सर सुनते होंगे, आपको देखने को भी मिलता होगा कि कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो UPSC CSE एग्जाम की तैयारी भी करते हैं और वो पास हो जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स करने के लिए उनके पास ईमेल भी पहुंच जाता है, लेकिन वो फाउंडेशन कोर्स नहीं करते हैं और उस साल वो पढ़ाई करते हैं या फिर छोड़ देते हैं, जो भी वजह होती है। लेकिन ज़्यादातर से लोग फाउंडेशन कोर्स इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि फिर से वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, इनके साथ होता ये है कि जब वो UPSC CSE एग्ज़ाम दोबारा देते हैं कोई अच्छी सर्विस पाने के लिए और वो उसमें सेलेक्ट ही नहीं होते हैं, तो उसके बाद वो ये सोचने लगते हैं कि जो सर्विस हमें पहले मिली थी अब हम वही सर्विस ज्वाइन करेंगे और उसी के लिए अब हम ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद होता ये है कि जिस साल वो सेलेक्ट हुए होते हैं उस एग्ज़ाम में, उस साल तो वो फाउंडेशन कोर्स छोड़ दिए, तो उनके बैच वाले आगे बढ़ चुके हैं, अब ये पीछे हो चुके हैं। अब ये नेक्स्ट ईयर में जब अप्लाई करेंगे फाउंडेशन कोर्स के लिए, तो इनके लिए यहाँ सबसे बड़ी घाटे वाली जो बात होती है वो ये कि इनके लिए निश्चित ही नहीं होता है कि लाल बहादुर शास्त्री में फाउंडेशन कोर्स होगा या फिर मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक अकादमी है वहाँ पे होगा या MCHRD में होगा। ये तीन संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर कहीं पर भी भेजा जा सकता है फाउंडेशन कोर्स के लिए। हाँ, फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर से लवासना पहुँच जाएंगे, बट फाउंडेशन कोर्स के टाइम पर इनको कहाँ भेजा जाएगा ये निश्चित नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके या वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।